हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श। वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। सो जो जीके जीएस की सीरीज़ चल रही थी, दिस इज़ पार्ट सिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज़। और इस वीडियो में भी हम लोग बीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को अवेल करने के लिए इस नंबर 9519383272 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसमें घोड़े के अस्थियों का अवशेष सुरकोतड़ा में मिला है। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। और दूसरे ऑप्शंस की अगर हम लोग बात कर लें तो ये लोथल है, ये डॉकयार्ड सिटी था, यानी बंदरगाह नगर था, पत्तन नगर भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर टू इज़, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाण? तो महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। परिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु के बाद जो है, जो इवेंट था उसको परिनिर्वाण बोलते हैं, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री इज़, और अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री इज़, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड? तो जो लौह और रक्त की पॉलिसी थी, ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर इज़, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट? तो और ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वह 1526 में लड़ा गया था, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ, और बाबर ने उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव डाली 1526 में। और बाबर पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, और ये युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हो गया और अकबर की विजय हुई। और दूसरे ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये युद्ध मराठाओं और अफगान राजा अहमद शाह दुरानी के बीच में हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई। ठीक है, तो ऑल दिस थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत आई होप इज़ क्लियर टू यू ऑल। पांचवा प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज 14। तो जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी था, ये 1576 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1576 में लड़ा गया था, और ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़, वेयर इज़ प्रेरी ग्रासलैंड फाउंड? कहाँ प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है? तो जो ये प्रेरी घास का मैदान है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका में पैम्पास नाम की एक घास की मैदान है, वो पाई जाती है, और सावना आइलैंड ग्रास लैंड है ये अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी स्पेलिंग है SAVANNA, सावना ग्रास लैंड। दिस इज़ फाउंड इन अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर सेवन इज़, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया? जो अपवाह क्षेत्र है उसके दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आवर राइट आंसर। ओके, और अगर हम वही बात करें लंबाई के हिसाब से, लंबाई को नज़र में रखते हुए, तो सबसे लंबी नदी नील हो जाएगी, और जो ये गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और वही बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की, तो जो ये ऑप्शन नंबर डी है कॉन्गो, ये इकलौती पूरे विश्व की जो ऐसी नदी है जो इक्वेटर को दो बार काटती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो नदी दो बार क्रॉस करती है उसका नाम है माही रिवर, विच इज़ फाउंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर एट इज़, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़? तो संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं अगली स्लाइड में। तो जो क्वेश्चन नंबर नाइन इज़, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? नेम द स्ट्रेट विच डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो जो भारत को विभाजित करता है उसका नाम है पाक स्ट्रेट,
इसे हिंदी में पाक की खाड़ी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेयर इज़ द खजुराहो टेम्पल इज़ सिचुएटेड। तो जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो खजुराहो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें ये मंदिर किन राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, तो जो चंदेल राजा थे उनके द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। तो ये दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय चंदेल रूलर्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? टू हुम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो जो प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं अपना त्यागपत्र, ये वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र सबमिट करना हो तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। और अगर हम वहीं बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं। और अगर वहीं डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंपना हो तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सौंपेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज़ भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड? तो जो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे इनको निर्विरोध चुना गया था। ये भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑफ कैबिनेट लेवल? तो जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक जो होते हैं, वो कैग, इनको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है। ये कैबिनेट लेवल के होते हैं, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और ये गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इनमें से कोई भी कैबिनेट का स्टेटस इसको प्राप्त यानी ग्रांट नहीं होता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज़ जुडिशल रिव्यू अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की एक विशेषता, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया। तो ये जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये है जुडिशल रिव्यू जो है ये यूएसए के संविधान यानी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बोरो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 यानी आर्टिकल 213 देता है। और वहीं हम बात करें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वहीं गवर्नर की बात हो तो अनुच्छेद 213। एक समानता, एक रूपता हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना होता है तो वो अनुच्छेद 123 से जारी करता है, ठीक है, और वहीं गवर्नर को, तो इसी को आप जब रिवर्स कर देंगे नहीं, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो इससे आप याद कर लीजिए आर्टिकल 213 यानी अनुच्छेद 213 से कौन अनुच्छेद जारी करता है? गवर्नर। और आर्टिकल 123 से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज़ द बोरलॉग अवार्ड गिवन? तो जो बोरलॉग अवार्ड है ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। आई होप आप लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग का नाम जरूर सुना होगा। ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे इन्हें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति, उसके पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। सो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। एंड द क्वेश्चन नंबर 17 इज वेयर इज द सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग वाटर कंजर्व वेयर इज़ द सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो ये है ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। एंड इंडियन क्वेश्चन नंबर 18 इज द राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन? तो जो ये नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नागपुर में लोकेटेड है।
और वहीं बात करें अदर ऑप्शंस की तो देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, मार्क कर लेंगे आप लोग, स्टार मार्क कर लेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है और ये नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को शॉर्ट फॉर्म में नीरी भी कहते हैं, इसको नीरी भी कहा जाता है, NEER I। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर्स, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर और कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। तो जो ये ऑन्कोलॉजी है ये कैंसर से संबंधित अध्ययन इसमें किए जाते हैं, और वहीं बात करें डर्मेटोलॉजी तो इसमें जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जो रोग होते हैं वो स्किन से चर्म संबंधित रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पेडोलॉजी दिस इज़ द स्टडी ऑफ सॉयल एंड सीरोलॉजी इसमें सीरम वगैरह का स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, सुधीरमन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जो ये सुधीरमन कप है दिस इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज व्हेन वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व, किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा थारू जो जनजाति होती है, थारू ट्राइब, दिस बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, बीएचयू पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को अवेल करने के लिए बीएचयू पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।